भाई लोग, अगर आप कुछ फैमिली के साथ देखना चाहते हैं तो ये मूवी सीरीज आपके लिए है। एनिमेटेड मूवी सीरीज जो आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो, अपने बच्चों को दिखा सकते हो। ये सभी मूवी अवेलेबल है हिंदी में। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर वन पर आती है द बॉस बेबी मूवी सीरीज, जिसके अब तक दो पार्ट आ चुके हैं। इसका फर्स्ट पार्ट आया था 2017 में जो की काफी अच्छा था, और अब इसका सीक्वल भी आया है जो की वो भी अच्छा है, लेकिन पहला पार्ट ज्यादा अच्छा था। इस मूवी में हमें दिखाया गया कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मिशन के लिए तैयार किया जाता है, और वे बच्चे बड़ों की तरह सोच सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं जो एक बड़ा आदमी कर सकता है। वे बच्चे सीक्रेटली मिशन पूरा करते हैं, और इन सब में जो कॉमेडी और एक्शन क्रिएट होता है वो देखने लायक है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ये आपके लिए है। इसके दोनों पार्ट ही अमेजोन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है हिंदी में। नंबर टू पर आती है फ्रोजेन, जिसके दो पार्ट आ चुके हैं। इसमें हमें कहानी दिखाई गई है दो प्रिंसेस की, जिनमें से एक के पास सक्रिया पावर्स होती हैं और दूसरी के पास पावर्स नहीं होती हैं, जिससे कि दूसरी लड़की जिसके पास पावर होती है उससे दूसरी लड़की को पावर से उसे खतरा होता है, तो उन्हें अलग अलग कर देते हैं। अगर आप फैंटेसी एडवेंचर एक्शन मैजिकल मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपके लिए है। मूवी का फर्स्ट पार्ट आया था 2013 में और सेकंड पार्ट आया 2019 में। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। बढ़ते हैं नंबर थ्री की ओर। नंबर थ्री पर आती है इनक्रेडिबल, जिसके दो पार्ट आ चुके हैं, और ये एक सुपर हीरो फैमिली मूवी है जहां पर सुपर हीरो की इमेज बिगड़ी हुई है और सुपर हीरो को कोई सुपर हीरो नहीं मानता, और ये अपनी लाइफ में खुश नहीं है। और इस सुपर हीरो फैमिली की स्टोरी देखने में आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि इसमें कॉमेडी के साथ साथ बहुत एनिमेटेड एक्शन जो कि देखने में अच्छा लगता है एक्शन दिखाया गया है, और एनिमेशन में तो कैसा भी एक्शन दिखा सकते हैं। अगर आप सुपर हीरो टाइप एनिमेशन में कुछ देखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए है, और सीरीज काफी बढ़िया है। तो जितने भी मूवी मैं आपको बता रहा हूँ सभी के विजुअल और एनिमेशन एक एक नंबर है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। सुपर हीरो के साथ साथ इस मूवी में हमें फैमिली रिलेशनशिप भी दिखाई गई कि फैमिली में क्या क्या गड़बड़े आती है और क्या क्या झेलना पड़ता है सुपर हीरो फैमिली को। इस मूवी सीरीज के दोनों पार्ट अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में, अगर आप देखना चाहते हैं तो लेट्स गो। तो बढ़ते हैं नंबर टू की ओर। नंबर टू पर आती है आइस एज, जिसके अब तक 5 पार्ट आ चुके हैं, और ये सभी के सभी हिंदी में अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। अगर आप जानवरों के अंदर की इंसानियत देखना चाहते हैं तो ये मूवीज आपके लिए है। इन मूवीज में हमें कॉमेडी के साथ साथ जिंदगी के लेसन भी सिखाती है। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ जानवरों की जो की आइस एज में रह रहे हैं। मूवी में एक झुंड होता है जिनकी कहानी पर ज्यादा फोकस किया गया है। अगर आप कुछ ऐसा जंगल एडवेंचर देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपके लिए है। तो चलते हैं अपनी नंबर फाइव की ओर। नंबर फाइव पर आती है टॉय स्टोरी, जिसके अब तक 4 पार्ट आ चुके हैं। बेसिकली इस मूवी सीरीज की कहानी कुछ इस तरह है कि क्या आपने कभी सोचा है कि जिन खिलौनों को आप खेलकर छोड़ देते हो या तोड़ देते हो तो उनके साथ फिर क्या होता है। इस मूवी सीरीज में हमें यही दिखाया गया है कि खिलौने या टॉयज जो होते हैं जिनसे हम खेलते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है। उनकी लाइफ में बताया गया है वो हमारे सामने तो एक खिलौना रहता है, लेकिन जब उनकी लाइफ चलती है तो वो अपनी लाइफ में क्या क्या करते हैं वो सब इन मूवी सीरीज में दिखाया गया है। और ये सब देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि उनकी खुद की लाइफ होती है और उन्हें हम ऐसे ही छोड़ देते हैं कहीं पर भी। हमारे और टॉयज के बीच के रिलेशनशिप को इसमें दिखाया गया है। ये मूवीज कुछ पुरानी है तो इनके एनिमेशन में थोड़ी होगी, नहीं तो जो मूवीज मैंने और बताई है वो सब मूवीज अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है। ज्यादातर मूवीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है, बस एक मूवी द बॉस बेबी जो की प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। तो वेट किसका कर रहे हो, जाओ अपनी फैमिली के साथ कोई भी मूवी देख सकते हो बिना किसी झिझक के, क्योंकि इन मूवीज में आपको लाइफ के लेसन मिलेंगे, कुछ ऐसा वैसा नहीं। ये मूवीज आपको सिखा कर ही जाएंगे कुछ ना कुछ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।